वृद्धाश्रम विधायक आ सांसद प्रार्थी अंतवासी को भेटी नेले आशीर्वाद पांडरा निकटे उत्कलमणि गोपबंधु आदर्श वृद्धाश्रम भुवनेश्वर संसदीय क्षेत्र लोकसभा प्रार्थी मनमथ राउतराय भुवनेश्वर उत्तर विधायक प्रार्थी सुशांत राउत मिसी आज प्रचार करने वृद्धाश्रम को जाते अंतवासी सुख दुख बुझा वृद्धा को उपमा खुआई पर नुआ भोटरों आलोचना करते सांसद और विधायक प्रार्थी एस वार्ड नंबर बारे वरिष्ठ नागरिकों जूस पीवा भोट भिक्षा भी कर वृद्धाश्रम भुवनेश्वर संसदीय क्षेत्र सांसद प्रार्थी एवं विधायक प्रार्थी आम सहित मनमथ रौतराय वृद्धाश्रम आसते विशेषकर आशीर्वाद भिक्षा करते संपूर्ण चित्र देखा पूर्व प्रथम आम आलोचना करवा प्रकृत में किभली भाव में प्रचार चली भाई प्रथम आपको स्वागत जनाऊँ गोटे वृद्धाश्रम आसते ये जो कौन कौन कार्यक्रम था आसलु आम जो नुआ पीढ़ी से सदा प्राय आस वॉलंटियर हिसाब से सेवा कर वृद्धाश्रम अनाथ आश्रम जाती तो से भाविले भाई डाकिया आम रिलेट कर श्री सुशांत राउत को आम बापू भाई सी एम थी सब क्षेत्र में इनवल्व सबू सेवे तो डाकवा आ मत डाकिले मोदी टी इंटराक्शन हो क्या जेनेशन पखापाखी तो मुझे कि शिखी मोटू से कि शिखे तो यहाँ तो सरप्राइज थी जो मत इन एडवांस कंग्राचुलेसन मानने बहुत व्यक्ति कही मन रीवन सारा इन एडवांस गोटे मानते पाने आम फ्यूचर तो बहुत सुंदर लगे कथा जो सेवा भी कलु जो मुझे दु थर खंडे आसला गोपबंधु जो वृद्धाश्रम को आज जो वृद्ध मान अच्छा माँ भी व्यक्ति विशेष सब अच्छा समस्ते समस्ते ये खुशी ये सेवा कले जो अंतरू शांति मिले जमी मंदिर जाइक मुंडिया मारला गोटे शांतिर वातावरण आसतु ये भी किसी मंदिर रू कम नुह ये भी गोटे मंदिर माँ बापा मानने मंदिर तो आम मंदिर आसचु मुंडिया मार्चु यू प्रार्थी हिसाब से नुह पुआ हिसाब से जे आम हृदय भी कांदुची जिते बड़े वृद्धाश्रम माँ मैंने रही जाइंट कि गुरुजन मैंने रही जाइंट वृद्धाश्रम जोटा कि मनरे तो दुख अच्छी काले घर रही आहरी बढ़िया होता कि समाज एमती आगू बढ़ी गला तो आम कम हो वृद्धाश्रम बन सेवा कर जो पर्यटन सी अच्छा आशीर्वाद आम चली था राजनीति भोट हिसाब से नुह खाली भाई आप अंतवासी तो आलोचना कले ये आशीर्वाद ना भोट भिक्षा कह नहीं आशीर्वाद पूरा आशीर्वाद ये भोट विषय बिल्कुल कहनु खाली गोटे माँ कहले जेतु मानने सूर्य राउतरा पुह ताहले मोर आशीर्वाद अच्छे आम तो मानने जेबेटु अच्छु सेबेटु शंख को भोट दौ से आशीर्वाद सेमती मिलला कि ये कही ना मत भोट देवे कौन सी शंख को भोट दिखे श्री नवीन पट्टनायक भोट दिखे सदा जो आशीर्वाद आगे सपोर्ट मिल सपोर्ट मिलूँ सदा आशीर्वाद सबुठ मिलने कहीं समस्ते रिलेट कर मो सतरे जे ना ये ओडिया पुअटे संस्कार अच्छी सम्मान दे पार्टी दीपद भद्रे कथापार टाइम दे पार्टी बसी पार्टी दुख सुख हो पार्टी या ही ओडिया पन बोधे ओडिया मैंने एमती ही रुहती जे सम्मान दवा कुंडे पार दुख टी सेयर कर तो सी रिलेट हो पार्टी आशीर्वाद मिलू भलपया मिलूँ वोट आप रिजल्ट रू जना पड़े के वोट भाई आसंता का सुप्रीमो मैदान को ओह्लैबे हाँ मुझे भी कल आसला सार आम प्रिय श्री नवीन पट्टनायक मैदान को आसवे तो मैंने पूरा फिट एंड फाइन अच्छा पूरा भर एनर्जी अच्छी लड़े बाहरी गला आम रणभूमि अच्छा सैनिक सी आम कमांडर बक्सी जाऊ कहुए ओडिया सी आम कमांडर कमांडर पे जहाँ निर्देश मिले आम सब लग पड़ जोश तो एमती भी जहाँ जोश अच्छी सीने शहे गुट बढ़ जाए आम कमांडर आसजे रणभूमि गोटे देखुचे गोटे भिड छाड़ी डबल शखर गोटे प्रमोट दिया हाँ कल गला थोड़ी भूल होता टी आम भाभीलु मानने व्यक्ति टी भाभी वोट करेंगे किसी भूल भाल होता क्याल्कुलेसन छोट छोट मिस्टेक छोट छोट मिस्टेक भूल होता अल्प मार्जिन आम गोटे दीटा प्रमुख क्षेत्र जो सब आम टे हारी जाइल एबाजी से भूल न हो दीटा शखर एबाजी भूल न हो नारा से चलू दीटा शख एमपी भी आम एमएलए भी आम भाई आप सामिल होते विशेषकर निर्वाचन मंडल कौन सब रही प्रस्तुति निर्वाचन मंडल प्रस्तुति आज नुहे पांच वर्ष है प्रस्तुति आम चलीचु आम आज नुहे प्रतिदिन आम निर्वाचन प्रति समय आम
ନିର୍ବାଚନ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ରହିବା ହେଉଛି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଆମକୁ ଯେତେବେଳେ ଏମ୍ଏଲ୍ଏ ହେଇଥିଲୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଥିଲା ଏବଂ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିଛୁ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ନିର୍ବାଚନରେ ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ଖାଲି ସାମିଲ ନ ହେବା ପାଇଁ ସବୁ ସମୟରେ ସାମିଲ ହେବା ପାଇଁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରଖିଛୁ। ତା ସହିତ ନିର୍ବାଚନରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦଳର ଲୋକ ଆସନ୍ତି, ସେମାନେ ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ଆସନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ସମସ୍ତ କର୍ମୀ 147 ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ସଦାବେଳେ ନେତାମାନେ ତାଙ୍କର ହୁଅନ୍ତୁ ବା ତାଙ୍କର ନେତୃମଣ୍ଡଳୀ ହୁଅନ୍ତୁ ସଦାବେଳେ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ରହିଛନ୍ତି, ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ରହିଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଦୃଢ଼ତାର ସହିତ ଆମେ କହିପାରୁଛୁ ଯେ ଆଜି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଷଷ୍ଠ ଥର ପାଇଁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଗାଦିରେ ବସାଇବେ। ବାପା ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଲା, ଆସନ୍ତାକାଲି ସୁପ୍ରିମୋ ମଇଦାନକୁ ଓହ୍ଲାଇବେ, କେମିତି ପୁରା ମାହୋଲ ରହିବ? ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ସୁପ୍ରିମୋ ତ ଓହ୍ଲେଇବାର ଥିଲା, ଓହ୍ଲେଇବେ ଏଥିରେ ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ସେ ସୁପ୍ରିମୋ ସବୁ ଏଇ ସ୍ପେକୁଲେସନ ଚାଲିଥାଏ, ସୁପ୍ରିମୋ ଇଏ ସିଏ ହଜାର କଥା କହିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଉଚିତ ସମୟରେ ଉଚିତ ଜବାବ ଦିଏ। ନିହାତି ଭାବରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ, ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମକୁ ଆସିଥିଲେ, ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ, ଯେଉଁମାନେ ନୂଆ ନୂଆ ଭୋଟର ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। ଆପଣମାନେ ଆଜି ଆଲୋଚନା କଲେ, କଣ ସବୁ କଥା ହେଲେ? କଥା ତ ହେଇଛୁ, ବଟ୍ ସେ 5 ହେଲାଣି ଥିଲେ ତ ତାଙ୍କର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ବି, ତାଙ୍କର ବହୁତ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ବି ଅଛି, ତ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସପୋର୍ଟ ବି କରୁଛୁ, ବିକଜ୍ ଆମେ ଦେଖିଛୁ ସେ କେତେ ଭଲ କାମ କରିଛନ୍ତି, ତ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏନକରେଜ କରୁଛୁ କି ତାଙ୍କୁ ଭୋଟ କରିବା ପାଇଁ। ଜଣେ ନୂଆ ଭୋଟର ଭୋଟ ଦିଏ, ସେ କେମିତିକା ପ୍ରାର୍ଥୀ ଚୟନ କରେ, କଣ ସବୁ ଦେଖିବେ, ପ୍ରାର୍ଥୀ ଦେଖିବେ ନା ଦଳ ଦେଖିବେ? ନିହାତି ଭାବରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ, ବିଶେଷ କରି ଯେତେବେଳେ ନିର୍ବାଚନ ପାଖି ଆସୁଛି, ତେଣୁ ନିଆରା ଢଙ୍ଗରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଚାର ଜାରି ରହିଛି। କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ଆଶିଷ ଦାସଙ୍କ ସହ ଦୀପକ ସାମଲ, ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ଓଡ଼ିଆ।